महोदय जी, आपने मुझे समय दिया। मैं आज डिमांड फॉर ग्रांट अंडर द एचआरडी मिनिस्ट्री के ऊपर डिस्कशन हो रहा है, तो जो ग्रांट या जो मैं पैसा दिया जा रहा है उसका मिस यूटिलाइजेशन, अंडर यूटिलाइजेशन भी बहुत है। माननीय मंत्री महोदय कोशिश तो कर रही हैं, एक जैसे दलहेजी यूनिवर्सिटी है वहाँ पर जो ओबीसी का पैसा दिया गया वहाँ के वाइस चांसलर ने डाइवर्ट कर दिया, उसी तरीके से शेड्यूल कास्ट कंपोनेंट प्लान में जो पैसा दिया गया था शेड्यूल कास्ट के स्टूडेंट्स के हेल्प करने के लिए 2013-14 में केवल 3% ही खर्च किया गया, जबकि 97% नहीं खर्च हो सका है। तो इस तरह की चीज़ें हो रही हैं। और केंद्रीय विद्यालय के बारे में भी मंत्री महोदया बहुत चिंतित हैं, जिस तरह से विरासत में जो हम लोगों को मिली है, विरासत को दुरुस्त करने में वहाँ पर ट्रांसफर पोस्टिंग में रूल्स रेगुलेशन में बड़ा बेंडिंग की गई ट्विस्ट किया गया है। और एक आधा मिनट के लिए कि मैं सरकार से और मंत्री महोदय से आपके माध्यम से अनुरोध करना चाहता हूँ कि शिक्षा को हमें इस तरह से बनाया जाए कि जो स्टूडेंट्स हैं, जो शिक्षित हो रहे हैं, वो ये अपनी जिम्मेदारी को, अपने नैतिकता को समझ कर सके। हमारे कॉलेज ने, हमारे यूनिवर्सिटीज ने, हमारे स्कूल्स ने, हमारे इंस्टीट्यूशन ने स्टूडेंट को ये भी नहीं बता सके कि सफाई करना चाहिए। ये हम इतना फेलियर रहा हमारे यहाँ का एजुकेशन और प्रधानमंत्री जी को इसमें कहना पड़ा, तो हमें शिक्षा में बहुत परिवर्तन करने की भी जरूरत है। धन्यवाद। मोदी सरकार पूरा गृह मंत्रालय के माध्यम से, खास करके गणपति राजू मंत्री महोदय बैठे फिल्म मिनिस्टर ने जो कमांडा मान निकोबार में किया, जनता उसको शाबाशी दे रहा है।